YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने विधानसभा सत्र को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की, आइए बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की सर्द वादियों में मौसम गर्माने वाला है, कारण है हिमाचल प्रदेश में आने वाला विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र का आगाज 10 दिसंबर को होने वाला है। ये आगाज किस तरह से होगा, विपक्ष की क्या रणनीति है, क्या भूमिका है, विपक्ष किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, उसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी। उनसे हम जानेंगे विपक्ष किस तरह से सरकार के लिए सरकार को घेरेगा, सरकार के साथ किस तरह से तालमेल बना के सत्र चलेगा और सरकार को लेके क्या रणनीति है, सत्र को लेके क्या रणनीति है। वीरभद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे पूछते हैं। कोई विशेष रणनीति नहीं है, हम चाहते हैं जो ये सदन का अधिवेशन हो रहा है धर्मशाला के अंदर, वो शांतिपूर्वक हो और उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बहस हो। विपक्ष हमेशा अपनी भूमि दबाता रहा है और हम भी निभा रहे हैं और हम बेफजूल बातें नहीं उठाएंगे। जो बुनियादी बातें हैं जिसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के साथ की जनता के साथ है, कोई आलतू फालतू मुद्दों को उठाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आप लगातार कहते रहे कि मुख्यमंत्री खुद एक अनुशासित आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता से आज़ादी से काम करने नहीं दे रहे हैं। आपका चार्ज क्या है? मेरा तो नहीं है, मगर ये आम जनता की ये राय है। आम जनता की अब ये सोच हो गई है कि मुख्यमंत्री जो है वो स्वतंत्र नहीं है अपना काम करने के लिए, उन पर क्या किस्म के दबाव है। सरकार कह रही है 19 का लोकसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश में भी एक परीक्षा की घड़ी है, कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं उनका सिलेक्शन होना है। वीरभद्र सिंह चुनाव से पहले आपने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, हमीरपुर से आपने कुछ नाम लिए, क्या आपको लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार के लिए कंसेंसस होनी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, अच्छे उम्मीदवार होने चाहिए और मेंबर भी सिंसियर होने चाहिए, जो किसी मकसद से आते हैं, जो पार्टी के नियमों के और नीतियों के प्रतिबद्ध है। उनका प्रतिबद्धता जो है वो पार्टी के प्रति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपके विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह को भी मंडी से चुनाव लड़ने के ऑफर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह भी वीरभद्र सिंह की तरह ही जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी तो MLA बने हैं, वो अभी उन्हें तजर्बा हासिल करना है, बाकी उनकी इच्छा है। हॉली लॉज में ये लंबे अरसे बाद एक मंगलोत्सव भी होने वाला, आपके बेटे विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये खुशियां आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? ये तो खुशी की बात है, ये पिता को इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी, पुत्र जो है वो उसकी शादी हो, उसको अपना परिवार बसाए और साथ में अपना जो काम है वो भी करें। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री और स्टेट्समैन जिनको हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, वीरभद्र सिंह जी अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए माने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में इनको राजनीति का रिंग मास्टर भी कहा जाता है। इन्होंने आज भी बखूबी खबरें अभी तक चैनल के साथ अपनी जो राय थी राजनीति को लेकर, विपक्ष को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार के काम काज को लेकर काफ़ी खुले मन से कही है। हम इनका खबरें अभी तक चैनल के लिए समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। कैमरामैन आतिश चौहान के साथ उमेश शर्मा, शिमला।